The last 1 year has been extremely fruitful for Haryana's Manju Rani, who apart from winning the national title in January, bagged her first World Championship silver medal. From wanting to quit the game in 2017 to going on to win a medal in her first World Championship, the young boxer has seen a lot in such a short period of time. NNIS Sports speaks to the boxer on her boxing journey, her struggles, and her silver medal. जी मैंने 2013 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी मेरे गांव में ही साहब सिंह नरवाल हैं मेरे पापा के फ्रेंड हैं वो तो वो पहले कबड्डी करवाते थे फिर कबड्डी टीम गेम है तो इसलिए फिर हमने इंडिविजुअल गेम चूज़ किया फिर इसमें बॉक्सिंग में आए फिर वो ट्रेनिंग करवाते थे हालांकि वो खुद बॉक्सिंग के प्लेयर नहीं थे तो वो पहले खुद सीखते थे फिर मुझे सिखाते थे फिर धीरे धीरे हम ट्रेनिंग करते गए फिर हरियाणा में मुझे चांस नहीं मिला तो फिर मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन लिया फिर वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद 2019 में मैं अभी सीनियर नेशनल फर्स्ट टाइम खेली थी उसमें मैं चैम्पियन हुई थी फिर उसके बाद मुझे इंडिया कैंप में आए फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिले फिर उसमें मैंने अच्छा किया फिर एशियन की ट्रायल हुई मेरी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फिर मैंने मेरे पास एक ऑप्शन था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का एक ऑप्शन था तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है बहुत मेहनत की थी फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया फिर इट वॉज टू चैनलाइज हर एंगर व्हेन हर मदर सजेस्टेड द 19-year-old टू गो इनटू बॉक्सिंग जी बिल्कुल पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी फिर धीरे धीरे मैं मम्मी मेरे पे भी गुस्सा करती थी क्योंकि मैं बहुत गुस्सेल थी तो फिर धीरे धीरे मैं समझने लग गई कि इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए तो फिर मम्मी भी ये सोचती थी कि बहुत गुस्सेल है तू बॉक्सिंग में जा तो फिर मम्मी भी बोली तू ठीक है बॉक्सिंग में कर फिर मैंने भी बॉक्सिंग में किया तो अच्छा बॉक्सिंग करती थी तो अच्छा लगने लगा फिर मैं बॉक्सिंग में ही फिर मैंने अपना करियर शुरू किया बट इट वॉजेंट अ स्मूथ जर्नी इन द बॉक्सिंग वर्ल्ड फॉर यंग मंजू विदाउट हर फादर हु पास्ड अवे इन 2010 ड्यू टू लिवर कैंसर 2010 में पापा की डेथ हुई थी तो मुझे मम्मी भी थोड़ी सी टूट गई थी क्योंकि फैमिली भी मेरे पास हम पांच बहन भाई थे तो 9000 पेंशन थी पापा की तो उसमें घर का खर्चा चलना थोड़ा सा मुश्किल था फिर और एक स्पोर्ट्स में अगर कोई बच्चा जाता तो उसको सभी चीज़ों की ज़रूरत होती डाइट की शूज की सभी चीज़ों की तो फिर उसमें मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया मेरे लिए फिर मैं मम्मी ने लेकिन मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि तू ये कर वो मत कर हमेशा सपोर्ट किया मम्मी ने मुझे But the Rohtak girl found a mentor in Sahab Singh Narwal, a kabaddi coach, who took her under his wings. वो मेरे पापा की तरह थे मैं उनको पापा की तरह ही मानती थी और वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे उन्होंने कभी भी उसकी एक लड़की भी थी कभी भी भेदभाव नहीं किया हमारे बीच में और हमेशा डाइट और बॉक्सिंग कभी कभी तो दोपहर में भी ट्रेनिंग करवाते थे वो मेरी और इसी से उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज इस जगह पे हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा मैंने एक बारी बॉक्सिंग छोड़ने का फैसला भी किया था लेकिन उन्होंने मुझे बॉक्सिंग छोड़ने नहीं दिया क्यों द रेगुलर पॉलिटिक्स एंड नॉट गेटिंग अ चांस टू प्ले फॉर हरियाणा फोर्स्ड मंजू टू गिव अप बॉक्सिंग बट इट वॉज नर्वल हु पुश्ड हर एंड ब्रॉट हर टू पंजाब विच चेंज द कोर्स ऑफ हर लाइफ 2017-18 में शायद तब मुझे ये था मैंने बॉक्सिंग छोड़ने का फैसला किया था क्योंकि मुझे कोई चांस मिल ही नहीं रहा था तो फिर क्या फ़ायदा करने का फिर उस मुझे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाने का वहाँ पे उधर से खेलने का एक मौका मिला तो वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई मुझे पहली बार मैं खेली वहाँ पे तो उससे मैं चैम्पियन हुई फिर उससे मुझे इंटरनेशनल टूर्स मिले फिर मंजूज लाइफ चेंज्ड एंड सो डिड हर लक विद अ सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप
जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी का सिल्वर मेडल भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड भी हूँ क्योंकि मुझे इतनी ऊपर जाने के बाद एक स्टेप गोल्ड से थोड़ा सा बस रह गया, तो थोड़ा सा ये था। बट द वॉइड रिमेन्स इन हर लाइफ। रानी रेमिनिस्ट हाउ शी मिस्ड हर फादर व्हेन द मेडल वाज अराउंड हर नेक। उस टाइम मैंने पापा को बहुत मिस किया क्योंकि अगर पापा होते तो वो भी बहुत खुश होते। तो